ग्रुप वर्क प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे। ये उसी का लेक्चर है, तीसरी सीरीज का 3.0 हो चुका है और ये है 3.1। ठीक है, सब सीरीज से पढ़ना है। अब क्या है, सोशल ग्रुप वर्क को हमें पता है कि एक इंडिविजुअल का हमें इन्वायरमेंट मॉडिफाई करना है ग्रुप की सहायता से। उसको ग्रुप में ही कुछ इंट्रैक्शन करवाएंगे, कुछ प्ले कराएंगे, जिससे उसको लगे कि वो कुछ कर सकता है। ठीक है, तो जब ग्रुप का कुछ करेगा तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। तो याद रखना, सोशल केस वर्क में इंडिविजुअल का तो इन्वायरमेंट मॉडिफाई होता है और सोसाइटी का जो टारगेट है, सोशल टारगेट, ठीक है, वो भी पूरा होता है। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो सबसे पहले एक भाई साहब थे हमारे, जेन एडम, ठीक है, इनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ सेटलमेंट। बहुत पहले इन्होंने सेटलमेंट बनाए थे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, क्लब बनाया था। ठीक है, जब इन्होंने क्लब बनाया तो सबसे पहला क्लब इन्होंने ही बनाया था, जेन एडम ने। तो इन्होंने देखा कि क्लब के अंदर लोग आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग आ रहे हैं। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट इशू को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, जो डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो वो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो उनको पता चला कि यार ग्रुप बनाने से तो काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं, जो कोई एक इंडिविजुअल अपने आप पे नहीं कर सकता है, लेकिन कलेक्टिवली बहुत चीज़ें कर सकता है। ठीक है ना, जो निगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में चेंज हो सकती है, अगर वो ग्रुप अच्छे तरीके से काम करे। ठीक है, तो इन्होंने जो ये ग्रुप बनाया था, वैसे ये तो ग्रुप जो था कल्चरल रिसोर्स, ठीक है, मतलब एक ही कल्चर के लोग आते थे, बैठते थे, आपस में बात करते थे, वो डिस्कशन करते थे। लेकिन जेन एडम के इस पहले क्लब से, जो उन्होंने पहला सेटलमेंट बनाया था, फाउंडर ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं इनको, तो यहाँ से और थिंकर ने, जो और थिंकर आए, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया कि ग्रुप बनाने से हमें इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा केसों में बेनिफिट रहता है। किसके लिए, सोसाइटी के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी। तो इसी थीम को अडॉप्ट किया सोशल ग्रुप वर्कर ने। फिर इसके बाद बहुत सारी इसके आउटकम आए, तो सेम आउटकम जो मैं बताया वही, कि सब कुछ डिस्कशन से लर्निंग बढ़ रही है, डिजायरेबिलिटी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, विजडम बढ़ रही है उनकी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अब क्या करेंगे, एक इंडियन एग्जाम्पल देंगे। एक हमारे एग्जाम्पल में क्या करेंगे, पीडी मिश्रा जी का। पीडी मिश्रा जी मैंने बहुत पहले पढ़ाया आपको, याद आ रहा है, स्कोप स्कोप ऑफ क्या, सोशल वर्क। मैंने स्कोप में ऐसे, याद है, इधर तीन लिखवाए थे, इधर तीन लिखवाए थे मॉडल, तो वो पीडी मिश्रा जी का मॉडल था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं पीडी मिश्रा जी का। अब ये मॉडल तो नहीं पढ़ना, ये खाली मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि मिश्रा जी याद आ जाए आपको, पिछले लेक्चर में देख लेना। अब मिश्रा जी ने क्या बोला, मिश्रा जी ने बोला कि इन्होंने एक स्टडी करी, जब याद करो वर्ल्ड वार वन हो रहा था, तो वर्ल्ड वार वन हुआ था, बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूजी कैंप लगे थे। ठीक है, बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस का शिकार हुए थे, बहुत सारे लोग डिसेबल हो गए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के इधर से उधर माइग्रेशन हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे वर्ल्ड वार वन के टाइम पे द वार कैंप सोसाइटी, ठीक है, द वार कैंप सोसाइटी नहीं, वार कैंप कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज की जाती थी वहाँ पे। ठीक है, तो जब ये वार कैंप कम्युनिटी ऑर्गेनाइज वहाँ पे करी गई, तो वहाँ पे देखा कि जो उन्होंने क्या करना, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करी। रिक्रिएशन का एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, नया रिक्रिएशन कर देना। ठीक है, जीवन में एक नया उत्साह पैदा कर देना। जो लोग डिप्रेस थे, अभी इस तरीके के सारे लोग डिप्रेस तो होंगे, तो उन्होंने रिक्रिएशनल एक्टिविटी करी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी में क्या करते थे, प्लेग्राउंड्स होते थे। ठीक है, इनको स्पोर्ट्स खिलाते थे कैंप में। ठीक है, कोई एथलीट्स बनने लग गया। ठीक है, परेड्स होती थी, म्यूजिक बजता था। तो इन सब चीज़ों से देखा गया कि लोग वो चीज़ें करने लग गए जो वो इंडिविजुअली कभी कर नहीं सकते थे। ठीक है ना, तो इसका जो आउटकम आया, वर्ल्ड वार के जो कैंप वन के कैंप लगे थे, उसके आउटकम की जो स्टडी करी पीडी मिश्रा जी ने, फिर उसने बताया कि जब इसका आउटकम आया वो इतना शानदार आया कि हमने कुछ पैरामीटर निकाले। क्या पैरामीटर निकाले, कि ग्रुप में आदमी हमेशा अपना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, उसके अंदर एंजाइटी जो होती है, चिंताएं, ये बहुत कम हो जाती हैं, उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, कलेक्टिवली जो है उसका इन्वायरमेंट अगर मॉडिफाइड करेंगे, तो ग्रुप के
साथ करने में बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि उसको लगता नहीं कि ये मेरी प्रॉब्लम, उसका सब मेरी जैसी प्रॉब्लम की तो है, और जब ये सही हो सकता है तो मैं क्यों नहीं सही हो सकता। तो ये सारी चीज़ें जो आउटकम आए, तो उसके हिसाब से हमने देखा कि इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, एक इवोल्यूशन और भी हुआ था कि अब उन मैडम का नाम बहुत टफ है इसलिए हम याद नहीं करते, उनकी कहानी बता दूँ। एक जो मैडम थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा था कि सबसे पहले उन्होंने बर्लिन में, ठीक है ना, बच्चों को, सुन लो लिख नहीं रहा हूँ, बच्चों को मिट्टी में खेलते हुए देखा। ठीक है, तो उन्होंने देखा यार सैंड में बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं। ठीक है, फिर वो आए, फिर उन्होंने बोस्टन में एक गार्डन बनाया, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंड गार्डन। ठीक है, वहाँ मिट्टी मिट्टी थी, बच्चे आते थे खेलते थे बहुत सारे। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते थे, तो लोगों ने ये देखा, ये जब उन्होंने देखा तो स्कूलों ने अपने अंदर भी प्लेग्राउंड का कॉन्सेप्ट लाया कि इंटरवेल होगा, एक स्पोर्ट्स का पीरियड होगा जिसमें बच्चे गेम खेलेंगे। ठीक है ना, ग्रुप में बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो उन मैडम का नाम लिखना नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे इवोल्यूशन हुआ। तो हमें दो एग्जाम्पल लाने हैं, फिर इसका इवोल्यूशन ऐसे हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे।